उमर रियाज की एविक्शन की बातें जो है काफ़ी जोर पकड़ चुकी है और अभी तक ऑफिशियली तो हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें वीकेंड के बाद के एपिसोड को देखना ही पड़ेगा टू नो एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन बाहर का माहौल जो है वो देख के डेफिनेटली लगता है कि उमर रियाज का एविक्शन हो चुका है और उसे सपोर्ट करने के लिए उतरे है एक और बिग बॉस 15 का चेहरा। बताती हूँ क्या है सारी खबर, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फीफा फूस देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, हमने देखा है कि बिग बॉस के घर में उमर और विशाल की बिल्कुल भी नहीं बनती थी स्टार्ट में, क्योंकि वो शमिता की साइड से थे और उमर जो है शमिता के अगेंस्ट थे, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी बातें नहीं हो पाती थी। लड़ाई झगड़े भी इनके बहुत सारे हुए हैं, स्पेशली गन्ने के टास्क में तो हमने देखा ही है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें वीआईपी के रूम में जब विशाल को अंदर लेके गए उमर और सारी गैंग, तब हमने देखा कि उनकी जो दोस्ती है वो थोड़ी बहुत दिखाई देने लगी, एक साथ सपोर्ट करने लगी। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही विशाल घर के बाहर निकले फिर भी उन्होंने एक शो में जो है उनका नाम बना रखा, एज इन उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उम तेजरन के बहुत सारे कॉन्वर्जेशन में बार 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 उनका जिक्र आ रहा था, स्पेशली बिकॉज उमर खफा थे तेजा के ऊपर। इवन करण वाज सेइंग कि अरे मुझे कैसे नहीं पता कि विशाल तेरे इतना क्लोज था तेजा, तूने बताना चाहिए था, क्योंकि तेजा हैज ऑलवेज थ्रू आउट मेंटेन कि उसका सबसे क्लोज फ्रेंड अगर कोई था तो वो था विशाल कोटियन। और इसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर एविक्ट हुए, उन्होंने घर में उनका नाम तो बना ही रहा, घर के बाहर भी वो जो है क्या कुछ चल रहा है शो में उसके बारे में बात करते रहे, अपडेट्स देते रहे, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सामने रखते रहे। अभी उन्होंने उमर के एविक्शन की जो बात है उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है, उमर मेरे भाई जीवन नाइंसाफ है और इस नाइंसाफी के साथ हमें रहना है, वेल प्लेड ब्रदर, यू डिजर्व मोर, एक हार्ट ब्रेक का इमोजी भी उन्होंने दिया है। तो आपको क्या है कहना, आप जो भी फैंस हैं विशाल कोटियन के और जो भी फैंस हैं उमर रियाज के, उनके ये जो भाईचारे के भाईचारे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। ये है उनका फोटो, घर के अंदर का ही फोटो जो है वो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे और इसे उमर रियाज ने भी जो है शेयर किया हुआ है। तो आपको क्या है कहना, जल्दी से जल्दी कमेंट डाउन करके मुझे बताइए और देखते रहिए फीफा फूस। आती हूँ थोड़ी देर में।